प्यारी सी वतन प्यारी सी वतन उस मीठे से वतन
परमान समय के परमान। हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में सत्य।
सबसे पहला स्वमान है। जिस पाप को याद करते रहे
बार बच्चे को भी।
ऐसे नहीं समझो
मेरा बाबा मान लिए जो नए नए आए हैं वो मानते हैं, हाथ उठाओ जो मानते हैं, जानते हैं नहीं मानते हैं। मेरा बाबा हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। अच्छा नए नए उठा रहे, पुराने तो पके ही है ना। Bye.
बड़ी प्राप्ति का युग है। क्यों? कि बड़े ते बड़ा पाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता।
अपनी प्राप्ति कम कर देंगे। क्यों जितना आगे बढ़ते हैं ना उतना एक अलबेलापन बहुत अच्छे बहुत अच्छे चल जाएंगे पहुंच जाएंगे देखना पीछे नहीं रहेंगे हो जाएगा ये अलबेलापन और रायल आलस देखो देखो कितने हैं।
पीछे पीछे आएंगे।
क्या करना। बाबा सेवा का टर्न राजस्थान का है। अच्छा, जो भी सेवा के लिए आए हो वो सभी उठो। अच्छा, आधे सहयोगी है, आधा क्लास तो सहयोगी है। अच्छा, सहयोग देना देना नहीं है, बहुत बहुत दुआएं लेना है, क्योंकि जिसके भी सेवा करते हैं विदेशी भाई बहने। चलती है और आगे बढ़ाओ।
कर जाऊं, वो पल के ना पल भर बंद मेरे, वो पल के ना पल भर बंद मेरे, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, आप दृष्टि बाप दादा ने हम सबको वरदानों से भरपूर किया, दृढ़ संकल्प भी कराया और अभी हम आदरणीय दादी जानकी जी से वरदानी बोल सुनेंगे। सब भाई बहने बैठे रहेंगे, अब पहले हम आदरणीय दादी जानकी जी से वरदानी बोल सुनेंगे। आज तो बाप दादा की बहुत ही स्नेही और प्योर एकदम पावरफुल दृष्टि के द्वारा बाप दादा ने हम सबको भरपूर किया और अभी हम प्यारी दादी जी से वरदानी बोल सुनेंगे। आदरणीय दादी जानकी जी, मेरे बहन भाई, ओम शांति, ओम शांति। देखो उड़ती कला हो गई ना, मीठा बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाई, तो हम जो सुनने ना, बाबा ने कहा समय भी सफला स्वयं भी क्लियर हो गया न सारा। अब समय अनुसार क्या करने का है, क्या कैसे रहने का है। बाबा ने दृष्टि दे करके भी नजरों से निहाल कर दिया, निहाल। हम कभी बेहाल होते ही नहीं है बाबा, आपकी दृष्टि ने कमाल कर दिया बाबा। मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, हमारी सभा इतनी बड़ी बैठी है, किसको याद करे बाबा, सभी के बाबा के याद में तो बैठे हैं, याद के सिवाय कोई हम बच्चों को कुछ भी नहीं है। याद का बल और योग का फल फौरन याद, और कोई आता नहीं है ना, एक बाबा ही सामने बैठा है, यहाँ बैठा है वो है ना, वंडरफुल। अभी मैं समझती हूँ हमारे निर्भय भाई को भी कुछ बोलना पड़ेगा। रतनमय दादी भी आई है ना, रतनमय है ना ये, अच्छा गुरु, हाँ गुरुदास दादी भी को भी देखा होगा बॉम्बे में, दादी से पूछना, कौन पूछेगा,
कौन दादी है? दादी आपने देखा बाबा ने कैसे हम सबको देखा। अच्छा थैंक यू दादी दादू दादी। अब एक तो बाबा आपके रथ को अच्छा बाबा ने अच्छी सेवा दी और आपने हम सब बच्चों की बाबा को मिसिंग बाबा की मिसिंग महसूस नहीं करने दिया। ऐसी मेरी दादी गुलजार भी कम नहीं है। अच्छा ओम शांति। अब इसके बाद हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता निर्भय जी से। उससे पहले हम सब मिलकर के अपने आदरणीय गुलजार दादी जी के लिए एक बार करतल ध्वनि से उनको बहुत बहुत थैंक्स देते हैं। हमारी प्यारी दादी हमारे साथ हैं और सदा ही बाबा का अनुभव कराती रहती हैं। कमाल है दादी की और किस तरह से हम सब दादी को अपने सामने भी पाते हैं और बाप दादा को भी उनके द्वारा देखते हैं मिलते हैं। अब हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता निर्भय जी से। उनसे पहले टोली बांटने वाले भाई बहनें ध्यान देंगे। हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को टोली देना आरंभ करें और अभी हम सुनते हैं आदरणीय भ्राता निर्भय जी से। ओम शांति। ओम शांति। परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, विशेष रूप से इस बार राजस्थान जोन के सभी बहनों और भाइयों और साथ में छत्तीसगढ़ इंदौर जोन वह भी सेवा में निमित्त हैं और बाबा के बहुत बहुत समीप आत्माएं हमारी आदरणीय दादी जी मोहिनी बहन मुनी बहन जयंती बहन विदेश से पधारे हुए आरसी और साथ में दूसरे सभी निमित्त बहनें और भाई और पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा तथा अन्य चैनल्स के द्वारा देश विदेश में यह कार्यक्रम देख रहे सुन रहे आज का अव्यक्त बाप दादा का मिलन मैं समझता हूँ इससे सभी रिफ्रेश हुए होंगे। बाबा ने पक्का कराया दृढ़ता से हम अपना पुरुषार्थ करें अपने पुरुषार्थ में ढीलापन नहीं लाए और उसके लिए हमें अच्छी तरह से ड्रिल भी कराई और ड्रिल के साथ साथ ऐसा अनुभव कराया सचमुच बाबा हमसे रूबरू बात कर रहे हैं नैन मुलाकात कर रहे हैं। किसी को नहीं लगता होगा कि ये इतने वर्ष पहले की मुरली है।
और आज भी उसी हिसाब से हम परम आदरणीय दादी गुलजार जी को उसी रूप से देख रहे हैं और सबकी इच्छा एक ही है कि दादी इसी तरह किए स्वास्थ्य को उन्हें प्राप्त करके मधुबन आ जाएं। दादी आ जाएंगी, जल्दी से जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि आपको सभी यहाँ पर मिलना चाहते हैं। नीलू बहन आप सोचिए, अभी आप तारीख सेट कर लीजिए, क्योंकि अभी ठंडी के दिन शांति वन से ख़त्म हो गए हैं, अभी तो पंखे चल रहे हैं। आज हम सब इस डायमंड हॉल में बैठने वाले भारत तथा विदेश के भाई बहनें कितने भाग्यशाली हैं, इस तरह के मोमेंट्स जीवन में बहुत कम आते हैं। जब इतनी संख्या में भाई बहनें एक संकल्प से बैठे हो, एक बाबा दूसरा ना कोई, और सबके दिल में बाबा के लिए भी प्यार है, स्वयं के लिए भी प्यार है, और साथ में ईश्वरी परिवार के हर एक सदस्य के लिए भी अति प्यार है, और इसके कारण संख्या कितनी भी है लेकिन सभी बहुत आराम से रहे हुए हैं। आज सवेरे क्लास के टाइम पर सब भाई बहनों से पूछा, सभी ने हाथ उठाया, हम बहुत आराम से रहे हुए हैं, बहुत सुख से रहे हुए हैं, और सिवाय बाबा और बाबा के ज्ञान के, बाबा की याद के, दूसरी कोई बात ही यहाँ नहीं। हम सब का, विशेषकर ज्ञानी तो आत्माओं का, ये ज्ञान और योग ही कवच है। संसार में बहुत सारी बातें भिन्न भिन्न प्रकार की आ रही हैं, उन सब के होते भी भारत में खासकर इस समय सभी जानते हैं माहौल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। बॉर्डर्स पर जो कुछ हुआ उसके कारण सारे भारत में बहुत रोष है। बाबा के बच्चों को अपने मन में क्या सोचना है, बॉर्डर्स पर संभालने के लिए भारत की सेनाएं चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, शक्तिशाली हैं, बहादुर हैं, लेकिन भारत की आंतरिक जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का शांति और प्रेम से आपस में सब रहें, शांति और प्रेम के फलस्वरूप जो आंतरिक शक्ति है वो बहुत मजबूत हो सकती है और है, और इसके लिए बाबा की आज्ञा के अनुसार भी और समय के अनुसार भी हम सब को अपनी अवस्थाओं को इतना उच्च बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, सदा निर्मल
निष्फल और फिर इसके साथ में अव्यक्त स्थिति के अनुभव से अव्यक्त बाप दादा के साथ व शिव बाबा के साथ मन लगा के लाइट और माइट दोनों से न केवल भारत की बल्कि सारे विश्व की सेवा करनी है। ये प्रकंपन फैलाना इस समय की आवश्यकता है। और बातों से यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, इधर इतने मरे, इधर इतना जले, उन सब बातों से ऊपर उठ करके बाबा ने जो हम बच्चों को कार्य दिया हुआ है सारे विश्व में शांति स्थापन करना, और इसके साथ साथ अपनी अवस्थाओं को जैसा आज भी बाबा ने कहा, बाबा की दिल पसंद श्रेष्ठ श्रेष्ठ अपनी अवस्था बनाएं और भविष्य में डबल ताजधारी बनने का संकल्प दृढ़ करते जाएं। यही मौका है, ये मौका हाथ से गया तो फिर कलप कलप चला जाएगा। इसलिए नाउ और नेवर इस बात को पक्का कर लें, बाबा ने जो कहा है उसको अभी धारण करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत आज के इस दिन की विशेष मुबारक है। ओम शांति। ओम शांति। एक अनाउंसमेंट है, इसके बाद दादी रतन मोहिनी जी हम सबके सामने वरदानी बोल सुनाएंगी, और उससे आदरणीय दादी जी से हम दादी रतन मोहिनी जी से वरदानी बोल सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आवाज ही नहीं निकलता है आप सबका। बड़े प्रेम से बोलो ओम शांति। यह ओम शांति महावाक्य सदा हमें याद रहे और उसके अर्थ स्वरूप में हम स्थित रह करके ओम अर्थात मैं वही शुद्ध आत्मा हूँ जो सदा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा स्वयं को पक्का करके सदा हम उस आनंद और प्रेम से एक दो से मिलते रहें, एक दो को बधाइयाँ देते रहें और ऐसे खुशियाँ मनाते रहें। बाप ने हमें ऐसी खुशी का खजाना दिया है जो कभी खूट नहीं सकता, कोई चोर उसको लुटा नहीं सकता। सदा हमारे साथ बाप का खजाना अर्थात बाप सदा हमारे साथ है, यह निश्चय अगर हमें पक्का है और इसी निश्चय के आधार पर हम स्वयं को ऐसे ही चला रहे हैं जैसे बाप हमें चलाते हैं। बाप की याद बनी रहे, बाप की मिली हुई शिक्षाएं हमें याद रहे और उन शिक्षाओं के साथ हम सदा एक दो को देख के खुश होते रहें,
बाप को याद करते रहे, लेकिन सदा बाप की याद ऐसी बनी रहे जो जब भी हम जिससे मिले हमें जो देखे उसको बाप ही याद आवे। इन्हीं शब्दों के साथ सदा हम बाप की स्मृति से सर्व को बाप की याद दिलाते रहें, और हम भी उन्हीं यादों में रहकर सर्व को बाप से मिलाते रहें। ओम शांति शांति शांति। अब इसके बाद मधुरवाणी ग्रुप बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करने जा रहा है। गीत के बोल हैं, भाग्यवान हम कितने हैं भगवान, भाग्यवान हम कितने हैं भगवान, जो आकर मिलता है कोई क्या जाने, शांति वन में शांति सागर चलका है। मधुरवाणी ग्रुप गीत प्रस्तुत करेगा। सभी भाई बहने बैठे रहें, गीत सुनेंगे, उसके बाद आदरणीय भ्राता ब्रिजमन भाई जी से भी वरदानी बोल सुनेंगे, और जिन्होंने अभी तक टोली नहीं ली है वे अवश्य ही टोली लेकर के जाएंगे। तालियों के साथ प्यारे बाबा को धन्यवाद दे। सागर चलता है।
हम कितने हैं, भगवान जो आकर मिलता है। कोई क्या जाने शांति वन में, शांति सागर चलता है। भाग्यवान हम कितने हैं, भगवान जो आकर मिलता है। कोई क्या जाने शांति वन में, शांति सागर चलता है। शांति सागर चलता है, शांति सागर चलता है। बहुत सुंदर। अभी आदरणीय ब्रजमोहन भाई अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे और उसके पश्चात शिवरात्रि जो 4 मार्च को है उस अवसर पर अपनी बाबा की एक फिल्म गॉड ऑफ गॉड्स सारे भारत में PVR सिनेमा थिएटर्स में रिलीज होगी, उसका आपको यहाँ अभी ट्रेलर दिखाया जाएगा। और जो भी भाई बहन अपनी सिटीज़ में गॉड ऑफ गॉड्स फिल्म दिखाना चाहते हैं तो शांतिवन के फिल्म डिवीज़न ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। अभी हम सुनेंगे आदरणीय ब्रजमोहन भाई से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब बहन भाई कितने एकदम रिफ्रेश हो गए जब प्यारे बाप दादा ने हमको हमारे सम्मान की स्मृति दिलाई। बाबा ने कहा आप साधारण नहीं हो, आप जिसको युगों से याद करते रहे उसकी आप बच्चे डायरेक्ट संतान हो, आप मेरी डायरेक्ट संतान हो। और बाबा कहने बोले कि आप बच्चों को मैंने परमात्म तख्त पे बिठाया है, दिल तख्त पे बिठाया है, आपको लाइट का क्राउन दिया है, आपको स्मृति का तिलक दिया है। और केवल संगम के छोटे से युग पर ही बाप दादा आकर बच्चों को इतने ऊंचे सम्मान की सीट पर बिठाते हैं। बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल केवल संगम पर ही मिलता है। तो बाबा ने कहा बच्चे अपने सम्मान की सीट पर हमेशा सेट रहो, सीट से ज़रा सा नीचे आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। दूसरे हमारे प्यारे बाबा ने हमें समय के महत्व को बताया कि केवल इसी युग में हम अपने भविष्य प्रारब्ध के बीज बोते हैं और इस समय जितने बीज बोले। तो बाबा ने कहा कि मेरे साथ चलने वाले बच्चे जो हाथ में हाथ लेकर साथ चलते हैं या पीछे बराती होकर आते हैं, बाद में आते हैं, तो मज़ा तो नए घर में आने का है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों को याद रखना चाहिए कि वहाँ पर स्थूल हाथ तो नहीं होगा, आपका भी स्थूल हाथ नहीं होगा, न शिव बाबा का स्थूल हाथ है, न ब्रह्मा बाबा का स्थूल हाथ है, न हमारा होगा, लेकिन श्रीमत रूपी हाथ लेकर के चलेंगे तो कितना मज़ा आएगा कि आप बच्चे सतयुग में मेरे साथ आओगे। तो इसी प्रकार से बाबा ने हमें अनेक शिक्षाएं दी और हम इतने रिफ्रेश हो गए और ऐसे लग रहा था क्योंकि ये मुरली में राजस्थान जोन का उसी प्रकार से जिक्र था जैसे राजस्थान जोन यहाँ बैठा है। डबल विदेशियों का भी बाबा ने उसी प्रकार से जिक्र किया जैसे बैठे हैं। बाबा कह रहे थे हाथ उठाओ, तो सचमुच आज की सभा हाथ उठा रही थी।
बाबा बोले अच्छा गर्दन हिलाओ, तो आज की सब गर्दन हिला रही थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम कोई टेप के द्वारा मुरली सुन रहे हैं। ये भी बाबा की जादूगरी है। और हम सब जानते हैं कि सारा इसका दादी गुलजार जो हैं, जिन्होंने अपने रथ 50 वर्षों तक बच्चों के लिए दिया, हम सब दादी गुलजार के शुक्रगुजार हैं। और जैसे सभी कह रहे हैं, अब दादी गुलजार जी को यहाँ देखने के लिए सभी बहुत तड़प रहे हैं। तो हम समझते हैं अगर नीलू बहन ये वीडियो देख रही है, तो हम सब की सामूहिक इस बात को मन में रख के जल्दी से दादी को ले आएगी। जब भाई साहब ने कहा कि शांति वन से अब सर्दी चली गई है, तो मैं सोच रहा था अगर कैमरे वाला सारी सभा के ऊपर कैमरा घुमाता और देखते कि किसी ने भी मेरे सिवाय गर्म शॉल नहीं पहना हुआ है, तो नीलू बहन को बहुत पक्का कंफर्मेशन हो जाता कि सचमुच सर्दी चली गई। अब जैसा अनाउंस हुआ है, गॉड ऑफ गॉड फिल्म्स का ट्रेलर दिखाया जाएगा। ये फिल्म शिवरात्रि के मौके पर रिलीज़ हो रही है और इसका प्रीमियर दिल्ली से हो रहा है। PVR सिनेमा में ये दिखाई जा रही है। आप भी अपने नगर के PVR सिनेमा वालों से बात करेंगे तो ये फिल्म दिखाई जा सकती है। ओम शांति। हुआ तेरा मन है, बीच भवर में फंसा ये तेरा जीवन है। इस वैज्ञानिक अवधारणा ने कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमें काफी स्वार्थी और हिंसक बना दिया है। मगर वास्तविकता ये है कि हम एक सर्वाधिक सभ्य और दिव्य सभ्यता के वंशज हैं। हजारों वर्ष पूर्व जब हम अपनी चेतना की सर्वोच्च दिव्य अवस्था से नीचे उतर आए, तब हमने खोज आरंभ की उन सभी महानतम विस्मृत सत्य की। निराकार ज्योतिर्लिंग देवा शिव विश्वनाथ हर 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 महादेव की। विश्व के सभी धर्मों के ग्रंथों में एक सूत्र समान जरूर है कि ईश्वर एक है और वह एक दिव्य प्रकाश हैं। वे हम सभी के परम पिता हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब हैं भाई भाई। हिंदू ईश्वर को एक अंडाकार शिला के रूप में पूजते हैं, जिसे शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग कहते हैं, अर्थात ज्योति स्वरूप। शिव शिव सदा शिवा नमामि शानईश्वरं शंभो सर्व ईश्वरा। देवों के भगवान अजन्मा का जन्म,